दोस्तों, हाल ही में FCI की एग्ज़ाम हुई थी। एग्ज़ाम थी 17 दिसंबर 2017 को राजस्थान सर्किल के लिए। तो उस भर्ती से संबंधित ये वीडियो है। अगर आपने भी FCI की एग्ज़ाम दी है तो आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल में जाना है और सिंपली आपको गूगल में लिख देना है FCI राजस्थान। ठीक है, FCI राजस्थान जो ऊपर की जो मुख्य मेन वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में भारतीय खाद्य निगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं न्यू पे, न्यू देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है, जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। मैं मेरे रोल नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, नीचे के कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और ये सभी डेट ऑफ बर्थ और ये सभी डालने के बाद में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन बुकलेट आंसर की क्लिक हेयर। ठीक है, वॉचमैन की पोस्ट थी ये, तो यहाँ पे ये यह देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपके जो आंसर की है, आपका जो पेपर है वो आ जाएगा। आंसर की वैसे ABCD वैसे नहीं आएगा, लेकिन जो पूरा पेपर है वो आ जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन में तो आप उसका फीडबैक यहाँ पे, यहाँ से फीडबैक दे सकते हो, नीचे जो क्लिक दे रखा है इस पे करके। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन बुकलेट आंसर की पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड पे कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका पेपर है, ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड होगा इसको आप ओपन करोगे तो ये FCI का जो आपके पास पेपर था वो पेपर आ जाएगा। और आप उसमें मिलान कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, उसके हिसाब से आप टोटल मार्किंग कर लीजिएगा। ये जो ग्रीन देख रहे हो आप, ये सही उत्तर है। ठीक है, आप अपने आपने जब पेपर किया, आंसर शीट आपने जो फिल की थी, उस समय आपने भी टिक लगाया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा। तो उसी तरह से जो ग्रीन टिक देख रहे हो, ये आंसर है, ये सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। हालांकि अभी तक रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप अपने खुद के लिए, मतलब कैंडिडेट खुद के लिए आप देख सकते हो कि इतने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरिट है वो रहेगी, तो उस एक अंदाज़ लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो है वो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।